गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो अभी मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज है पोहा, दूध, केला और पीनट बटर। तो अभी ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी ना कुहू सो रही है, तो अभी जब कुहू उठेगी ना फिर जाएंगे। कहाँ जाएंगे मैं बताता हूँ, बस कुहू के लिए ना जब संडे को मैं जाऊँगा बबली के घर होली देने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सामान वगैरह लगता है ना, तो वो लेने जाऊंगे। इसके लिए इसके बाद देखते हैं, पता नहीं मेरे को पता नहीं क्या क्या लगता है। अभी तो कुहू सो रही है, मम्मी को पता है, मम्मी लेके जाएंगे। ये खुश हो गई यहाँ पे, क्या हो गया है? कुछ नहीं, कुहू को देख देख के ना सबको नींद आ जाती है। क्या टाइम हो रहा है अभी? 1:15 हो रहा है। सो गई, सुबह से जाओ। कुहू यहाँ पे सो रही है भाई। मेरे को ना आवाज आ रही कुहू की, ना कुहू उठ गई है, चिल्ला रही है। रुक जा, ये कौन है, कहाँ चल? ये कह रहा था ना, देखिए बैठी हुई यहाँ पे। क्यों चिल्ला रही है तू? अंदर से सुन रहा हूँ मैं तेरे को, चिल्ला रही है। ऐसे करते हफ्तों करते एक बारी। अरे बाप रे, देखना ये कौन। अम्मी छी, अरे हाय, क्या करके आई? ओ इधर देखना ये। अरे हाय छी यार, ये कौन है भाई? देखना भाई यार, ये कैसे होली खेली है मम्मी? ये देखो भाई, लुक माय हाइलाइट। ये अगर मैं वो कर दूं ना दीवार के आसपास, बिल्कुल वो कैमोफ्लेज हो जाएगी। मैं देखना हैं, तो पता भी नहीं चल रही। सूट भी इसका लगा, कहू देख मम्मी है ये, मम्मी दो। इसका रिएक्शन क्या रहता? बाल पकड़ रही है। चलो भाई, पहचान तो गई मम्मी को। ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है। देखो भाई कैसी लग रही है, कमेंट करके बताना। कैसी लग रही है मम्मी? कैसी लग रही है आपकी बेटी? अरे हाय अरे हाय, यहाँ मत झाड़े है पागल, सोफा दिलवाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, चल हट यहाँ से मम्मी, भगा यार। नहीं नहीं, चल चल हट। ऐसे खेली होली यार ये भाई, मजा आ गया। पता क्या हुआ, होली का गुलाल का पैकेट था। हाँ। मैं गई छुपके से ना हाथ में ले लिए, वो सब कहते होली ना स्टार्ट करेंगे। मैं ठीक है, गई पीछे को लेके लगा दिया, सबके अंदर घुसा दिया, पूरा कर दिया भैया। फिर एक एक होली का पैकेट है, थोड़ी थोड़ी देर में मैंने कहा चल ठीक है होली खेल लिया, बैठ जाते। एक आई पैकेट लेके पूरा मेरे बॉल में डाल दिया, मैंने दूसरा पैकेट लेके उसके बॉल में डाल दिया भैया। खूब मजे किया, स्कूल वाली होली खेल के आई है बहुत, और डांस किया खूब जम के। ये वो सारा का सारा रंग लगा के आई है, देखना सरकारी रंग। बाप रे, ये हटेगा भी नहीं, बोले अब नहाने जा रही है, अब देखते हैं हटेगा कि नहीं हटेगा। ये देखो अभी नहाने के लिए कर रही थी ना, दरवाजा खोली तो ये घुस गई अंदर। देखो ठीक है, मम्मी ने क्या कर दिया, इसको पटरे में बिठा दिया। अब ये यहाँ पे खाना खाई है, मम्मी खिला रही इसको दलिया। अब देखो इसी बहाने से ना कि बाथरूम खुल गया तो ये खाना खा लेती है, वरना नहीं खाएगी। देखो देख, अभी भी नखरे कर रही है, जल्दी कर, इसका टब भर दो तब नहाएगी। को खा लो खा लो, देखा? अरे भाई यार, ये लड़की पागल, ये कितनी क्या क्या करती रहती। अरे नहीं नहीं, रहने दे, अरे अपने ऊपर गिरा लेगी पानी। नहीं गिराएगी, नीचे गिराएगी। तो कुहू की माँ ने कुहू को बाहर निकाल दिया है, अभी ये बाहर खाना खाएगी। लेकिन ना टब बाहर ले आई मम्मी, तो कम से कम इसके बहाने से खाना खा लेगी। तो बबली तो गई है नहाने के लिए, लेकिन अपने बच्ची को बाहर निकाल दिया। अरे 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 अरे, मम्मी गद्दा गीला कर देगी यार, हटाओ ना इसको यार मम्मी। अरे यार ये देखना, पानी फेंक दिया इसने, ये खुद को भी गीला कर रही है भाई। ये कुएं इसलिए रो रही है क्योंकि ना मम्मी ने इसको वहां से उठा दिया और ये कह रही मेरे को उठना नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ी नाटकबाज है ये लड़की है, इसने अपना खाना पूरा भी नहीं खाया। और ये है हमारा बिफोर आफ्टर, आप देखो ये कुछ इस तरीके से लग रही है, मतलब नॉर्मल गुलाल ही लगा हुआ था, अब तो पक्का रंग नहीं लगाया। बस वो है बालू के अंदर भी अभी तक घुस रहा है भाई। लड़की ने परेशान कर दिया, कितना बिठा उसको पानी के अंदर, ये मछली थोड़ी है कोई। ये चुप कराने आई है, ये भी नहीं करा पाएगी। अच्छा सुन तो सही, कुहू कुहू सुन, अरे भाई अच्छा सुन तो सही, ये आ गई, ये संभाल लेगी। हाँ ये दे, अरे माँ के पास ही नहीं आ रही, माँ के पास ही नहीं आ रही। मोए 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 मोए, नानी के पास चली गई, माँ के पास नहीं आई। मोए मोए, अभी फिलहाल मैं और मम्मी जा रहे हैं वो शॉपिंग करने के लिए। कुहू तो अभी खेल रही है तो उसको लेके नहीं जा रहे, क्योंकि भाई हो सकता है कोई बाहर ना गुब्बारा वगैरह मार दे तो बच्चे पे ना लगे, और गर्मी थोड़ी हल्की ज्यादा हो रही थी। मम्मी सिर्फ मम्मी और मैं ही जा रहे हैं। तो भाई मैंने ना अभी ना ये अपनी शॉर्ट्स निकाली थी, देखो एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये पहनने के लिए, क्योंकि भाई अब गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये लास्ट टाइम ना मैंने ना होली पे पहनी थी, अब इसका ये है यार, मैंने इसको ना धो भी लिया, लेकिन
इस पे पता नहीं ऐसा क्या रंग चढ़ा जो इसके ऊपर ना, जो ये एरिया है ना इसका, ये वाला, इस पे ऐसा कौन सा रंग लगा जो इसका, जो इसका रंग ही उड़ गया कच्छे का, मगर ये समझ नहीं आ रहा। उड़ा सिर्फ आगे का है, पीछे का नहीं उड़ा। वैनिस से भी धो दिया, डिटर्जेंट से भी धो दिया, हर किसी से धो गया। अब देखो ये इस तरह पता नहीं क्या मिट्टी मिट्टी से लगी हुई है, क्या है ये समझ नहीं आ रहा। अभी क्या वापस काला कराऊंगे जरा सी इसको, या बोलो जरा से कच्चे का रंग ही उड़ गया, पता नहीं ऐसा कौन सा हम तो बल्कि पक्के रंग से होली खेलते भी नहीं है, ये सिर्फ गुलाल वगैरह इसी का है, और उसका पता नहीं समझ नहीं आया कैसे हुआ ये। देखा देखो एक मिनट, ये हमारे मोटू को भी दिखाता हूं एक बार देखना। देखो ये कच्चा है मेरा, छोटे वाला कच्चा, बोलो सॉरी मेरे निक्कर, अरे निक्कर है निक्कर, ठीक है। तो इसमें देखो ये लास्ट टाइम हमने, मैंने ना होली भी पहनी थी, यहाँ पे ऐसा कौन सा रंग लगा जो इसका रंग उड़ गया, ये देखना कि क्या है ये, क्यों उड़ गया इसको, मैंने वैनिश भी कर दिया, डिटर्जेंट से भी कर दिया, ये रंग हटी नहीं, मतलब निकल ही नहीं रहा, अरे सब कर दिया मैंने, मिट्टी नहीं है ये, इसका रंग ही उड़ गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा ये किस चीज का रंग है, ये समझ नहीं आ रहा है। अम्मी एक बार यहाँ बताना बाकी क्या, इधर आओ, ये तेरे शरीर का मैल है। अब चुप है, मैल भी तो ब्राउन कलर का। एमी देखो इस निक्कर पता नहीं क्यों रंग उड़ गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तेरे उस वाले पैर पे ज्यादा मैल था। अब दूसरे निक्कर पहनूंगा यार, ये तो पता समझ नहीं आ रहा था, ये बर्बाद हो जाएगी ऐसे, तो निक्कर जितनी मर्जी चेंज कर, पैर तो वही रहेगा मैल वाला। मैं देखना अब देखो कौन सी निक्कर पहनूं, फिर मैं देखना इसका रंग को क्या हुआ है। देखो ये पिछले साल की होली का पता नहीं कौन सा रंग चढ़ा हो जिसका रंग ही नहीं निकल रहा इसका, पता नहीं क्या है ये, मिट्टी मिट्टी सी मैल। चुप रह रहे यार, अरे रगड़ने से क्या होगा, नहीं कुछ नहीं हो रहा, सब कर दिया मैंने पिछले साल, वैनिश वगैरह सब लगा दिया, कुछ नहीं हो रहा इसको, इसका निक्कर का रंग ही उड़ गया। तो मैं अपना दूसरा कच्चा पहनूंगा, इसको हटाऊंगा यार, 100 रुपए इसमें लगाओ जरा सी निक्कर में, 60 रुपए की मुश्किल से निक्कर होगी, 100 रुपए का रंग चढ़ेगा इसके ऊपर। तो रीबॉक का दूसरा कच्चा निकाल लिया मैंने अपना, ये वाला पहनूंगा। तो सबसे पहले मम्मी और मैं लेने जा रहे गुजिया, तो ये ले लिया हमने गुजिया, तो एक ऊ की माला बनाने के लिए सामान भी ले लिया, घर पे बना लेंगे माला। यहाँ पे तो भाई मस्त होली की सेलिब्रेशन हो रही है, देखो कितना बड़ा स्टेज लगा हुआ है, ये सारे वीआईपी के लिए सोफे लगे हुए हैं, वहाँ मूर्ति लगी हुई भगवान जी की, बढ़िया सेलिब्रेशन। हम देखो कहाँ कहाँ से निकल के जा रहे हैं, स्कूटी मैंने पीछे खड़ी कर दी क्योंकि आगे ले जाने नहीं दे रहे ना भाई। पहुंच गए घर, और देखो ये सारा सामान लेके आए हम, ये एक तो हो गई एक गुजिया, एक कुहू के लिए ये पिचकारी, और फाइनली भाई देखो मेरे को कंगा मिला ही नहीं इसलिए मैं नया ही खरीद लाया। फिर उसके बाद लेके आए हम ये आम का चार मिर्ची का, और ये कुहू की होली पे जो माला बनाएंगे ना उसके लिए कुछ सामान घर पे बना लेंगे। तो ये वो ड्रेस है जो हम लेके आए हैं, देखो ये कुछ जो भी कहते हैं इसको मेरे को पता नहीं, और ये कुछ इसके साथ शॉर्ट्स है, तो ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन है। कुहू आ जाएगी तेरे को, आ जाएगी, इसको नाप लिया हमने, हाथ हो जाएगी। कुहू बात बोल, कुहू भाई एक चीज देखो, कुहू रावण कैसे करता है, कुहू रावण कैसे करता है। तो अभी बन रही है यहाँ पे सबके लिए शाम की चाय, चाय हो गई तैयार, बाकी हो गई अपने नाश्ता पानी। भाई देखना ये अचानक से क्या हुआ, अभी मैं मिर्ची का चार लेके आया था, ये फ्रिज में मेरा डब्बा यहाँ रखा हुआ था, सॉरी यहाँ रखा हुआ था, पता नहीं किसने कहीं और रख दिया, तो जैसे मैं फ्रिज खोला अब देखो ये हाल क्या हो गया, देखो देखो, और ये देख रहे हो भाई ये डब्बा ना टूट चुका है, देखो ये देखो अभी लेके आया था मैं, ओ चुप है गाइस गाइस, ये मिस्टेक इसकी है हर्ष की, लेकिन ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये देखो अभी तो भाई मैंने सिर्फ नॉर्मल चखा भी नहीं था, उससे पहले तो उद्घाटन हो गया, अब देखो ना सारी मिर्ची निकल गई मेरी, आधा डब्बा तो खाली हो गया। भाई मुझे ना ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा ना मेरे से और ये बबू दीदी से ज्यादा कार्टून ये देखती है, देखो ये इस टाइम पे भी कार्टून ही देख रही है, वो तो अलग बात है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हम दोनों से ज्यादा टीवी देखती है ये इस उम्र में, इस उम्र में हम तो इससे ज्यादा बड़ी उम्र थी ना हमारी, जब हम स्कूल में थे हम देखते थे, छोटे में नहीं देखते थे, दो अलग अलग कमरे में टीवी देखते थे, ये इधर मैं उधर मत्था खा जाता था मेरा, और इतनी लड़ाई होती थी रिमोट पे, 4 बजे तक मेरा टाइम है, 4 बजे के बाद आपको जब मर्जी देखो, और उस जब मर्जी में भी मेरे को बस 1 घंटा रिमोट मिलता था, 1 घंटा मेरे को मिलता था पहले, 1 घंटा स्कूल से आते के साथ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ रियलिटी, मैं बताता हूँ हम दोनों आते के साथ स्कूल के कपड़े भी उसी कमरे में उतारेगा जहाँ टीवी होगा, और रिमोट लेके कौन सा कार्टून लगाएगा, वो नोबिता वाला वो चलता रहता था। स्कूल से पहले सबसे पहले हम दोनों साथ में आते थे, ठीक है, मैं ये सही बता रही कि उसी कमरे में कपड़े बदलता था, लेकिन 1 घंटा टाइम बांध रखा था हमने, 1-2 बजे मेरा, तेरा तो पूरा दिन था, 1 घंटा पहले मैं देखता था टीवी, ठीक है, 1 घंटा मैंने देखा, क्यों मैं दूसरे कमरे में चला जाता था, इस बैठक वाले में, यहाँ पे पापा जी अलग टीवी देखते थे ना उस टाइम पे, तो मैं यहाँ पे आके बाद में देखता, लेकिन
मेरे एक घंटे के बाद ये पूरे दिन यही देखती थी टीवी, इतना मेरे को याद है। वो तो क्या देखती थी, ये कार्टून ही देखती थी, ये देखती थी सीरियल जो बड़ी मम्मी देखती ना, जो बूढ़े लोग सीरियल देखते वो सास ससुराल वाले, वो लेकर देखती थी। पहली बात तो तुम दोनों गलती करो, टीवी एक था, अरे दो टीवी कहाँ थे अपने दो, अच्छा हाँ एक ही टीवी था, ये देख तुम लड़ते थे आपस में, ये इनको पता ही नहीं। सुनो सुनो सुनो, बड़े पापा जी के पास जो टीवी है ना, इधर आओ इधर आओ, बड़े पापा जी का जो इस टाइम पे टीवी है वो यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है, वो था वो टीवी, वो ही था बस। और उसके बाद वो नहीं था क्या, वो तो बहुत बाद में लाए थे जब तुम छोटे थे, जब तो एक ही था, तब तो एक ही था। लेकिन मेरे बात तो ये देखती थी ना टीवी, जो मैं सिर्फ एक घंटा देखता था। टीवी होता भी कंप्यूटर वाले रूम में था, इसको टीवी देखने के बाद कंप्यूटर में गेम्स खेलनी होती थी, और उसमें भी नहीं टीवी मत चलाओ मेरे को गेम, और कौन सी गेम, नहीं नहीं ऐसे नहीं खेलता ऐसे कंप्यूटर, कौन सी गेम थी तेरी, सन एंड्रियास पता नहीं, अरे जीटीए अपनी जीटीए, नहीं ये कार्ड आईसीटी जो गेम खेलता था, मैं ये नहीं कहता था कि आवाज कम करो टीवी, ऐसा नहीं कहता था मैं, इतना तो अच्छा था मैं, अच्छा बच्चा था। ये तो यहीं पे सो गई, लेके गए जाऊं इसको, सोने दो, उठा लेना फिर इसको, ठीक है। तो बहू दीदी कुकू को उठा लेगी, मैं सामान उठा लूंगा, इन दोनों को छोड़ जाता हूँ घर, बब्दी को छोड़ दिया है घर। अब यार भूख लग रही है बहुत तेज, हमें क्या बनाया खाने में, बरवा शिमला मिर्च तो सुबह की है ना, और अभी क्या बनाया आपने, खंडली, खंडली जिसको नहीं पता खंडली उनको मैं बता दूँ, अरे ये होता है बेसन का, क्या कहते हैं, बेसन का चीला है ना, वही तो बेसन का चीला होता है, नॉर्मल वो गोल तरीके से बनता पूरा, लेकिन अगर उसको हम बीच में ऐसे वो कर देना, पीसेस कर दे छोटे छोटे करके, एक तरीके से भुर्जी कर दे उसकी, तो वो खंडली कहलाती है। तो ये आ गया अपना डिनर, खंडली, और खंडली भाई जैसे नॉर्मल चीला होता है ना सॉस के साथ खाता है, वैसे इसको भी इसके साथ खा सकते हैं। तो बाकी तुम ऐसे गिन मत करना कि मैं रोटी के साथ ऐसे लगा के सॉस के साथ खा रहा हूँ, ठीक है ना। डिनर हो गया और इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे को इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक मिल जाएगा, और वीडियो के एंड में यूजर नेम मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।